वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चैनल पर नहीं हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ऑसम किस्म की वीडियो आने लगी है। तो वीडियो का टाइटल सीधा बताता हूँ, व्हेन मुस्लिम मैन वॉन मोदीज हार्ट। मतलब मुस्लिम बंदे ने जीता मोदी जी का जब हाथ, जब दिल को जीत लिया था। तो हार्ट टचिंग वीडियो है। तो TNN वर्ल्ड का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको उनका डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं, बिना देर के देखते हैं मतलब हुआ क्या था। हाँ जब तो फिर पता लगेगा। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। अच्छा, पुलवामा में है ये। आइए पुलवामा में बात करेंगे। ये पुलवामा पे मतलब लाइव बात कर रहे हैं वो। बताइए। आदाब है जनाब। आदाब जनाब। मेरा नाम गुलाम नबी डार है जनाब। पेशे से मैं वकील हूँ। वकील है। और घर में जिम्मेदारी का काम भी करते हैं। अच्छा। जनाब, हालात की वजूहात की बिना पर कश्मीर के अक्सर लोग बीमारी के शिकार हो गए। अच्छा। और उनको महंगी कीमत पर दवाएं मिलती थी। तो अब जब से आपने ये स्कीम जनाब चालू की है, इसे लोगों को काफी फायदा मिला है, लोगों को राहत मिली है। और हर कोई इस वक्त ये कहता है कि हमें अब बीमारी पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। ये जनाब आपने इंसानियत की खदमत के लिए कदम उठाया है। आप बहुत इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने ये कदम गरीबों के लिए उठाया है। और महदूद नहीं रहना चाहिए जो स्कीम है, ये जो गांव गांव में फैलनी चाहिए जनाब, क्योंकि गांव के लोग अक्सर जनाब बेचारे अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं और उनका गुजारा भी नहीं होता है। स्कीम कोई चलाई है मोदी ने जो बहुत दवाइयों की और हालात उनको भी दबा के रखा है। ये स्कीम गांव गांव तक जानी चाहिए ताकि आपका ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाए कि आप तो इंसानियत की खदमत कर रहे हैं। इंसानियत की खदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत बजुद खदमत खालक ने, ये हजरत साजी ने कहा है जनाब। इबादत खदमत खालक, खदमत खालक मतलब लोगों की खिदमत है। आप तो वो करते हैं जिस तरह आप कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब करी। क्या बात है। देखे राज में, हमारे मुल्क में और हमसाय ममालिक में आपकी सहायता से, आपकी इस जो आप खुदा अल्लाह तआला ने आपको सूझबूझ दिया है। गुलाम नबी जी, आपको कितना लाभ हुआ इस योजना से? आपको स्वयं को कितना फायदा हुआ? मुझे जनाब, या मुझे कम से कम 10,000 रुपए खर्च होता था इसे पर। 10,000 रुपया जनाब, बहुत ही तकलीफ होती थी। मतलब इतना खर्च होता था, लेकिन अभी हाँ ये कंपनी के दवाएं हम लेते थे। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ से ये स्कीम चालू हो गई, हमने हम भी इसका टेस्ट करेंगे। दवाएं लाई वो कम कीमत पर, मोदी जी इतने दयालु हैं। वो 10,000 के बजाय 1,000 रुपए खर्च होते हैं। 1,000 9,000 बचता है स्कीम से, 20,000 रुपया बचता है। 10 होता था, अभी 9,000। गुलाम नबी जी, आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। और यही बड़े दिल के इंसान का काम है कि आपको फायदा हुआ इतना नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दूर पहाड़ों में, गांवों में भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने औरों की चिंता की और आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आपका आभारी हूँ। क्या बात है, मतलब आभारी हूँ। बैठिए आराम से। मेरे लिए खुशी है कि मेरे यहाँ दिल्ली में भी मेरे एक मित्र हैं, वो भी आप ही के नाम है उनका, गुलाम नबी। अच्छा, मित्र हैं, दोस्त हैं इनके, उनका भी नाम गुलाम नबी। आप जानते हो भली भांति जनाब, आप गुलाम नबी जी मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि आज मुझे पुलवामा में एक सच्चे अर्थ में गुलाम नबी के दर्शन करने का मौका मिला। क्या बात है, मैं जरूर उनको बताऊंगा।
हंसे हैं वो दे तो मुमकिन है, सही बात है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब क्या बात है वजाद, कितना मतलब प्यार से इन्होंने प्यार दिखाया है उनके लिए। यार मैं कहता हूँ इस वीडियो ने ऐसा इमोशनल कर दिया कि आज तक किसी वीडियो ने नहीं किया। सही बात है यार, मतलब उन्होंने बताया कि पहले वो 10,000 खर्चा होता था वजाद वो इस मतलब बात पे चीज पे, और अभी जब से स्कीम इन्होंने डाली 1,000 में दवाई वगैरह का। यार मैं कहता हूँ कि यही तो बात है ना जो मोदी जी को मान बनाती है गरीबों के लिए अमीरों के लिए। ये अमीरों के लिए तब भी तो यार बच्चा बूढ़ा जवान उधर कहता है मोदी है तो मुमकिन, बिल्कुल कहते हैं यार यही वजह है कि मुबशर मोदी जी ने कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं देखा यार इसमें। मुझे मैं क्या बोलूं, मतलब कोई फर्क उन्होंने आज तक नहीं देखा कि मतलब कोई फर्क है अमीर के लिए वो ज्यादा करते हैं गरीब के लिए नहीं करते, ये उन्होंने नहीं देखा। और एक पीएम को यही चीज महान बनाती है। एग्जैक्टली यार मैं कहता हूँ कि यार देखिए कश्मीर का लोग इतना मोदी जी की तारीफ करता है, पुलवामा इतना सब कुछ करता है, कौन कहता है कि वहाँ के लोग ऐसे बुरे हालात में रह रहे हैं। देखो यार इतना खुश है यार, मतलब इसने इतने मजे की बात की है कि भाई ऐसी सुविधाएं और जगहों पे भी होनी चाहिए ताकि और जगहों पे भी लोग सुविधाएं मतलब गुलाम नबी जो बाबा थे उन्होंने बताया कि मतलब और लोगों को भी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली तो मतलब इतना प्यारा उन्होंने बोला, और आगे से इन्होंने बोला कि मैं आपकी इस बात का भारी हूँ कि मतलब आपने बताया और मैं ऐसा करूँगा। तो ये देखना मतलब फिर हंसे हैं बीच में, थोड़ा मुस्कुराए हैं, मतलब खुश हुए हैं। हाँ वजाद, और मतलब उन्होंने बताया मेरा मित्र भी है उनका भी नाम गुलाम नबी है, तो उनको मैं बताऊंगा कि गुलाम नबी मुझे मिल सच्चे गुलाम उनके दर्शन हो गए हुए। तो मतलब देव मोदी जी ने इतने प्यार से उसे बात की है, इतने प्यार से उनको बोला है के क्या मैं बताऊं अपने आप में। वाकई में वीडियो हार्ट टचिंग थी वजाद, बहुत हार्ट। मैं तो काफी वीडियो के दौरान ही सारा इमोशनल होके बैठा हुआ था। मैंने कहा यार देख एक वकील बंदा इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझे मेरे 10,000 लगते थे अब 1,000 लगता है उस गरीब के लिए। चलो वो मतलब पढ़ाई होगी, चलो अभी काम ही करते होंगे, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं तो है ना। बिल्कुल 9,000 उस बंदे का बच रहा है आजकल, तो बहुत बड़ी चीज है यार। बहुत हजार बड़ी पे चीज बहुत है, 9,000 वजाद बहुत बड़ी चीज बहुत है। तो आप बताएं यार आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।